हेलो, वेलकम टू दी क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ममता शर्मा आज फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस क्लासरूम में। होपफुली आप भी सब सही होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। इसका मैंने आपको कहा था ऑल विद इन 2 डेज में आपको ये कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट में आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में जो का मेरा 1 घंटे का लेक्चर था उसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट करा चुकी हूँ। कितना? सेक्शन फाइव तक मैं आप लोगों का कंप्लीट करा चुकी हूँ। एक्चुअली में सेक्शन फाइव नहीं, टोटल नंबर ऑफ 5 सेक्शन में करा चुकी हूँ, क्योंकि अभी आज हम जो डील करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि आज हम इसका जो एंड करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, इसमें हम करेंगे जो क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं, जो सेक्शंस बचे हैं उनको हम करेंगे क्लियर, जो भी क्वेरीज होंगी उनका हम करेंगे क्लियर, और जो भी डाउट होंगे वो भी हम क्लियर करेंगे। और हमेशा की तरह मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा ये जो वीडियो चलेगा ये चलेगा लिंकअप वीडियो, मतलब कि मैं इसको कराऊंगी लिंक करके, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए। जैसा मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाओ, एग्जामिनेशन पेपर आपके हाथ में हो और क्वेश्चन नंबर देखा जाए, अगर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन एक्ट का कोई क्वेश्चन आता है वो आपके हाथों से नहीं जाना चाहिए, यानी कि वो 1 मार्क्स आपको ऑब्टेन करना ही करना है। तो राजस्थान जुडिशरी में क्योंकि ये नया एक्ट जुड़ा है तो इसकी संभावना है कि इसमें से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। तो कंपलसरी है, तो मैं अभी तक आपको जो पार्ट कंप्लीट करा चुकी थी, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना आगे का कंटिन्यू कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम आज का अपना रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। और आज मैं आप लोगों को कराऊंगी सेक्शन 5, मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10। देखिए, मेरा हमेशा का कहने का मतलब क्या होता है कि मैं जब भी कोई एक्ट कराऊंगी तो मैं उसका लिंकअप करके कराऊंगी। कैसे कराऊंगी? लिंकअप करके कराऊंगी। तो लिंकअप कराने के लिए मैं आप लोगों को पहले बता दे रही हूँ, जो मेरी वीडियोस को देखने बैठ रहे हैं, जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो अपने साथ रखें साथ में CRPC का एक्ट। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप में से किसी के पास CRPC ना हो। अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी के स्टूडेंट हो, तो आपके पास CRPC का एक्ट होगा, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर का एक्ट होगा ही होगा। अगर है तो उसे उठा के रख लीजिए अपने पास, क्योंकि उसका हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि मैं आप लोगों को जो कराती हूँ हमेशा की तरह, अगर मैं आपको आज इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट का पढ़ा रही हूँ तो साथ ही मैं आप लोगों को कराऊंगी क्या, ठीक है, तो कराऊंगी आप लोगों को साथ में कनेक्ट करके। तो होपफुली आप लोगों ने अपने अपने बैरेट निकाल लिए होंगे। अगर बैरेट निकाल लिए तो जुड़ जाइए मेरे संग। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे संग अगर इस वीडियो में आप लोग जुड़ रहे हैं तो अपना CPU ऑन करके बैठे, बाकी सारी चीज़ों को, बाकी सारे ख्यालों को रखें अभी जरा साइड में और सिर्फ पढ़ाई करें। तो पढ़ाई करें, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज का अपना लेक्चर। और आज के अपने लेक्चर में आज हम डील करने वाले हैं, जो हम सेगमेंट पढ़ने वाले हैं वो सेक्शन 5 का पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 5 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। उठाइए बैरेट और देखिए क्या कहता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 हमसे कह रहा है, बैरेट उठाया आपने अपना, डिसेंट का बैरेट लीजिए और उसमें पावर टू एंटर एंड सर्च, क्या कह रहा है? पावर टू एंटर एंड सर्च, ठीक है। पावर टू एंटर एंड सर्च, यानी कि जो उस व्यक्ति की पावर जो क्या करेगा, एंटर कर सकता है और सर्च कर सकता है। क्या आप लोगों में से किसी को याद है कि पावर टू एंटर और सर्च CRPC के किस सेक्शन में दिया हुआ है? कहाँ कोई व्यक्ति जाके एंटर कर सकेगा, सर्च कर सकेगा, अगर किसी डॉक्यूमेंट को देखना हो या किसी भी। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं कनेक्ट करके पढ़ा रही हूँ इंडिसेंट से CRPC को, तो CRPC में मैं जो सेक्शन पूछी, मैं और नॉट ओनली सिंपल सर्च एंड वॉरेंट्स पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसा कौन, अगर किसी व्यक्ति को, कौन ऐसा व्यक्ति होगा, किसके पास ऐसी पावर होगी जो एंटर कर सकेगा डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए, तो बता सकते हैं आप लोग इसका आंसर? अगर बता सकते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 5 कहता है, सब्जेक्ट टू सर्च रूल एज मे बी प्रिस्क्राइब, ऐसा कोई सब्जेक्ट जो सर्च करता हो, क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ, एनी गजेटेड ऑफिसर ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि कौन कर रहा है, कौन ऑथराइज कर रहा है इसको, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, कौन ऑथराइज कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। जो लोग लिख रहे हैं वो ठीक है, नहीं लिख रहे तो अपने बैरेट में अंडरलाइन करते जाइए, स्टेट गवर्नमेंट में, विद इन द लोकल लिमिट, कहाँ करेगा, विद इन द लोकल लिमिट,
ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, कहाँ करेगी, अपने लोकल लिमिट में करेगी, ऑफ द एरिया फॉर विच ही इज ऑथराइज, जहाँ वो ऑथराइज है, यानी कि कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही, कहाँ कर रही, विद इन अ लोकल एरिया, लोकल लिमिट कौन ऑथराइज कर रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी। ये क्वेश्चन है प्रीलिम्स का कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी डॉक्यूमेंट को, जो कि ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंडसइंड रिप्रेजेंट कर रहा हो, ऐसे डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए अगर किसी व्यक्ति को ऑथराइज किया जाता है, किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, तो वो कौन करेगा, तो वो करेगा स्टेट गवर्नमेंट। देखिए ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन हर स्टेट में ये अपने अपने तरीके से चलता है। अगर किसी स्टेट का कोई बात आती है, मान लीजिए यूपी स्टेट के अंदर अगर ये आता है कि क्योंकि ऐसी कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई रिकॉर्ड, ऐसा कोई फाइल मिली है जो कैसी है, इंडिजेंट है, अगर वो इंडिजेंट है तो उसको सर्च करने के लिए, उसको लेके आने के लिए जो अपॉइंट किया जाएगा वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा व्यक्ति, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन प्रीलिम्स में ये आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने बताया इसको ऑथराइज, फिर इन्होंने बताया इसके अंदर, इन्होंने देखो तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया है, कितने पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया, वन टू एंड थ्री, कितने पार्ट में डिवाइड किया, वन टू एंड थ्री। क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है फर्स्ट लेके क्या कह रहा है, एंटर एंड सर्च एट ऑल रीजनेबल टाइम्स विथ सच असिस्टेंट इफ एनी एज ही कंसीडर्ड नेसेसरी एनी प्लेस इन विच ही हैज रीजन टू बिलीव दैट एंड ऑफिस अंडर दिस एक्ट हैज बीन और इज बीन कमिटेड। क्या सर्च करने जाएगा, ठीक है, कैसे जाएगा, इफ अगर किसी व्यक्ति को जिसको ऑथराइज किया गया है उसे क्या होता है रीजन टू बिलीव, कहाँ पढ़ते हैं हम सीआरपीसी में, रीजन टू बिलीव, क्या कोई सेक्शन बता सकता है मुझे सीआरपीसी का रीजन टू बिलीव सर्च का कहाँ पर दे रखा है, सेक्शन नंबर आईपीसी की बात करें, सेक्शन नंबर 76 ऑफ आईपीसी, याद करिएगा रेड बिट 76 ऑफ आईपीसी, रीजन टू बिलीव, अगर किसी व्यक्ति को बिलीव है कि ऐसा कोई ऑथराइज ऐसा कुछ हुआ है कि वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट ऐसा मिल सकता है, तो वहाँ पे क्या करेगा वो जो जाएगा तो और वहाँ पे जाके सर्च कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने लगाई सीज एनी एडवर्टीजमेंट, यानी कि जो भी एडवर्टीजमेंट ऐसा मिला है उसे सीज करेगा, और एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्रॉइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर, अगर ये सब चीज़ें अंडरलाइन में डालिए और इन सबको हमने पढ़ना है विच ही हैज रिकॉर्ड टू बिलीव कंट्रोवर्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि ये सारी चीज़ें अगर मिलती हैं तो क्या करेगा इन सबको क्या कर देगा सीज, यानी दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया सीज कर देगा, ठीक है। तीसरा पढ़िए एग्जामिन एनी रिकॉर्ड रजिस्टर डॉक्यूमेंट और एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट फाउंड इन एनी प्लेस मेंशन्ड इन क्लॉज ए एंड साइज and sees the same if he has reason to believe that it may furnish evidence of the commission of an offence public punishable under this act, यानी कि क्या करेगा यहाँ पे वो कार्ड पर यूँ कि ऐसा अगर कुछ होता है तो उसका एग्जामिन करेगा और क्या करेगा उसको एनी मटेरियल का किसका करेगा जो भी मटेरियल मिलता है उसका क्या करेगा एग्जामिन करेगा, ठीक है। सर्च रीजन टू बिलीव सीज कर सकता है और एग्जामिन एनी मटेरियल कर सकता है, ठीक है। आप इन्होंने बताया ये तो हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट, क्या हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब इन्होंने इसके प्रोवाइडेड दिए हुए हैं, अगर ऐसा होता है तो इसकी प्रोवाइडेड पे क्या चलेगा, तो प्रोवाइडेड देखिए इन्होंने फर्स्ट प्रोवाइडेड दिया है प्रोवाइडेड दैट नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड इनटू प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट ए वारंट। क्या कहा इन्होंने कि अब वो जा सकता है लेकिन प्रोवाइडेड कहा इन्होंने प्रोवाइडेड दैट अगर कोई प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस है, अगर कोई प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस है तो उसमें एंट्री कैसे करेगा विद द वारंट, कैसा वारंट होगा विद द वारंट, सिर्फ कैसे कर सकता है
अगर कोई प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस है और वहाँ उसको पता चलता है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो कि कहता है इंडिसेंट है, अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो इंडिसेंट डॉक्यूमेंट है अगर ऐसी जगह पे है और वो जगह कैसी है प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस है यानी कि प्राइवेट तरीके से रहने का तरीका है, एक घर है, तो वहाँ पे वो एंट्री कैसे करेगा? सर्च वारंट की उसके पास परमिशन होनी चाहिए, सर्च वारंट लेके आएगा, सर्च वारंट उसे दिखाएगा, देन उसके अंदर एंट्री कर सकेगा। तो इन्होंने फर्स्ट प्रोवाइड बताया कि कोई भी ड्वेलिंग हाउस होगा तो उसमें एंटर कैसे करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ करके। उसके बाद उन्होंने दूसरा उन्होंने बताया, ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया, दूसरा पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है इसका। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पावर ऑफ सीजर अंडर दिस सबसेक्शन मे बी एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट आर्टिकल और थिंग्स विच कंटेन एनी सच एडवर्टीजमेंट इंक्लूडिंग द कंटेंट्स इफ एनी ऑफ सच डॉक्यूमेंट आर्टिकल और थिंग्स इज एडवर्टीज कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग इम्पोज्ड or otherwise from such document, article or things without affecting the integrity, utility, saleable and value of their off. यानी कि ऐसा कोई दूसरा provided उन्होंने बताया, जब first provided हो गया, दूसरा provided इन्होंने बताया, second provided is that कि अगर कोई ऐसा document है जो कि बहुत बड़े record में है, या मान लीजिए कोई ऐसी book है जो बहुत बड़ी है, या मान लीजिए कोई ऐसी film है जो किसी एक उसमें भरी हुई है, तो उसको जो जिसे हम separate नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, separate नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उसको क्या करेगा, पूरा का पूरा examine करेगा। यानी कि कोई ऐसा material which is not in condition of separable, ठीक है, ऐसा कोई मटेरियल है, ऐसी कोई इंडिसेंट प्रोडक्ट मिला है जो कि जिसको क्या किया जा रहा है, जिसको सेपरेट नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, उसका पूरी का एग्जामिन करेगा, क्या करेगा, पूरा का एग्जामिन करेगा। उसी तरीके से इन्होंने थर्ड बताया, ठीक है, इन्होंने बताया कि फर्दर द पावर ऑफ सीजर अंडर दिस सबसेक्शन मे बी एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट आर्टिकल और थिंग्स विच कंटेन एनी सच एडवर्टीजमेंट इंक्लूडिंग द कंटेंट्स, ठीक है, कंटेंट इफ एनी ऑफ सच डॉक्यूमेंट, अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मिलता है जो कि सेपरेबल नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। तीसरे उन्होंने बताया कि अगर ऐसी कोई चीज है जिसे सेपरेट तो किया जा सकता है, लेकिन क्या हुआ कि उसका पूरा का पूरा ही हमें पढ़ना होगा, तो ठीक है, उसको सेपरेट नहीं किया जाता, उसे पूरा का पूरा ही उसे पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसमें ये दिए थे दो प्रोवाइडर, ठीक है, दो प्रोवाइडर्स प्रोवाइड थे, वो हमने पढ़ लिए। अब हम करना है इसका सेकंड पॉइंट, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि ये इसमें भी इन्होंने क्या करा है, तो सेक्शन 5 है उसको इन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 1 को हमने पढ़ा, उसमें इन्होंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट कर सकेगा, कहाँ कर सकेगा, विद इन अ लोकल लिमिट कर सकेगा, क्या कर सकता है, तो तीन चीजें इन्होंने बताई, तीन चीज वो कर सकता है, क्या, सर्च कर सकता है, कब कर सकता है, इफ ही हैव टू रीजन टू बिलीव दैट कि ऐसा कोई ऑफेंस क्रिएट किया जा रहा है, तो क्या होगा, वो यहाँ पे इसको सर्च करेगा। अगर उसको लगता है कि कोई ऐसा मटेरियल मिला है, अगर उसको कोई ऐसा मटेरियल मिल जाता है, तो वो क्या करेगा, उसको सीज कर देगा, क्या कर देगा, सीज कर देगा। उसके बाद इन्होंने बताया कि थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया था, फर्स्ट एंड थर्ड इन्होंने बताया, एग्जामिन एनी मटेरियल, मतलब जो भी ऐसा कोई मटेरियल मिलता है उसका क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, कौन करेगा, जिसको कौन अपॉइंट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट कर रही है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, अगर समझ में आ गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि मैं आगे बढ़ पाऊँ, ये स्क्रीनशॉट, चलिए आगे देखते हैं। अब इसका हम बात करते हैं पॉइंट नंबर टू कहता है, मैंने आपको इसमें बता दें कि यह क्या कह रहा है, तीन पॉइंट कह रहा है स्टेट, ठीक है, इसमें मैंने आपको इसके दो प्रोवाइडेड बता दिए, ठीक है, क्या करेगा वो इन सब इसको सर्च कर सकेगा, और सर्च करने के बाद क्या कर सकेगा, इसको सेपरेट नहीं कर किया जा सकता, तो उसे पूरे का करेगा। अब इसका पॉइंट नंबर टू कहता है इसका, द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 शेल सो फार एज मे बी अप्लाई टू एनी सर्च सीजर मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ वॉरंट इशू अंडर सेक्शन 94 ऑफ द सेट कोड। समझ में आया, नहीं आया, चलिए मैं क्लियर करती हूँ। सबसेक्शन टू कहता है कि अगर
ऐसा कुछ होता है, ऐसा कोई कोई इंडिसेंट प्रोडक्ट मिलता है या इंडिसेंट फिल्म मिलती है, रिकॉर्ड मिलता है, डॉक्यूमेंट मिलता है, तो क्या करेगा, सर्च के लिए भेजा जाएगा। अब वहाँ पे सर्च पे भेजने के बाद क्या हो रहा है, सर्च में जब वो उसको भेज रहा है तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सीआरपीसी का सेक्शन 94 अप्लाई यहाँ हो जाएगा, सेक्शन 94 अप्लाई होगा, सेक्शन 94। सीधे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट में सर्च और वारंट में कौन से प्रोसीजर फॉलो होगा, तो आंसर होगा सीआरपीसी का प्रोसीजर फॉलो होगा। सीआरपीसी की किस सेक्शन से रिलेटेड ये होगा, तो इन्होंने बताया सेक्शन नंबर 94। अब मैं आप लोगों के माइंड में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रही हूँ, अगर आपके माइंड में खुद से हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई है तो मैं क्रिएट कर रही हूँ, why only section 94, कहाँ पे आता है सेक्शन 94, चैप्टर नंबर 7 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन नंबर 7 ऑफ सीआरपीसी, प्रोडक्शन ऑफ क्या है, पूरा डॉक्यूमेंट को प्रोडक्शन करने वाला। दो तरीके की चीजें होती हैं यहाँ पे, एक तो होता है समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, और सर्च वारंट होता है। क्या चीज हो रही है, दो चीज हो रही है, वन समन टू प्रोड्यूस, सेकंड सर्च वारंट हो रहा है, दो चीज आ रही है। अब सर्च वारंट जब आप पढ़ते हैं सीआरपीसी में, अगर आपको बेचारा है चैप्टर नंबर 7 भोले राम अगर आपको याद है, अगर आप इनको नहीं बुलाया हुआ है, अगर आपको याद है तो आपको पता होगा जब यहाँ पे सर्च वारंट इशू किए जाते हैं तो सर्च वारंट हम कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, सर्च वारंट हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 93 में, सेक्शन नंबर 94 में, सेक्शन नंबर 95 में, सेक्शन नंबर 97 में। ये सारे सेक्शन हमारे काय के हैं, सर्च वारंट के हैं। अब ये सारे सेक्शन सर्च वारंट के, तो वाई ओनली सेक्शन 94, वाई नॉट सेक्शन 93, सेक्शन 95, सेक्शन 97, क्यों नहीं लिया इन्होंने, इन्होंने सिर्फ सेक्शन 94 को ही क्यों लिया। देखिए ये कहते हैं ना लोग, बहुत बार मैंने लोगों को बोलते देखा सेक्शन याद नहीं होते, आज मैं आपको सेक्शन 93, 94, 95, 96, 97 ये सारे सेक्शन तो याद कराऊंगी, साथ ही मैं इंडिसेंट का सेक्शन नंबर 5 का सब सेक्शन नंबर 2 ये अच्छे से याद करा दूंगी, कभी आप भूलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ लिंक करके। अब मेरा क्वेश्चन आपसे था कि वाई ओनली सेक्शन 94, वाई इज नॉट सेक्शन 93, 95, 97, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा, आ जाइए आप सीआरपीसी में, कहाँ आ रहे हैं हम लोग सीआरपीसी में, थोड़ा सा टाइम दूंगी, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा लगे कि मैम क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, लेकिन कॉम्प्लिकेट करना जरूरी है क्योंकि ये माइनर एक्ट है, 10 सेक्शन है, लेकिन अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं, बहुत सारा लिंकअप लेके आए हैं, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा सेक्शन चैप्टर नंबर 7 ऑफ सीआरपीसी। चैप्टर नंबर सेवन क्या कहता है, चैप्टर नंबर 7 कहता है सीआरपीसी में कि सर्च वारंट इशू होगा, क्या होगा, सर्च वारंट होगा। अब इन्होंने कहा कि सर्च वारंट इशू होगा, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि सर्च वारंट पे इन्होंने देखेंगे सेक्शन नंबर 93 को, सेक्शन नंबर 94 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 95 क्या कहता है, और सेक्शन नंबर 97 क्या कहता है। देखिए सेक्शन नंबर 93 कहता है अगर कोई तब सर्च वारंट इशू करता है कि अगर कोई ऐसा एड्रेस है जो नहीं मिल रहा, नंबर 1 एड्रेस ऐसा है जो नहीं पता चल रहा, नंबर 2 अगर कोई ऐसा समन कंप्लाइंट किया गया है, या समन कंप्लाइंट नहीं हो रहा है, और तीसरा इन्होंने बताया कि कोर्ट को जरूरत है लेकिन को वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, यानी कि जुडिशियल पर्पस के लिए जरूरी है, फॉर द पर्पस ऑफ जुडिशियल, बट वो हो नहीं रहा है, क्या जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, नहीं हो पा रहा है, तब क्या होगा, तब यहाँ पे सर्च वारंट इशू होगा, ये बात करता है सेक्शन नंबर 93।
सेक्शन नंबर 94 को भी छोड़ दे, सेक्शन नंबर 95 क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 95 कह रहा है जब तक स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं करेगी, जब तक स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर फॉर काय के लिए डिक्लेयर करेगी, स्टेट गवर्नमेंट फॉर फॉर फीचर्स काय के लिए, जब तक स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं करेगी काय के लिए, फॉर फ्यूचर के लिए, तब तक वो सर्च वारंट इशू नहीं होगा, सेक्शन नंबर 95 कह रहा है। और सेक्शन नंबर 97 क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 97 कह रहा है रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट, अगर रॉन्गफुली किसी को कन्फाइनमेंट किया गया है, रॉन्गफुली किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहां पर सर्च वारंट इशू होगा। तो ये तो देखिए यहाँ पे किसी भी अगर इंडिसेंट से रिलेटेड करेंगे तो रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट तो हो नहीं रहा है ना, ना ही यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कोई किसी चीज को फॉरफिट करने के लिए क्या कर रही है, डिक्लेरेशन कर रही है। अब पता चलता है सेक्शन नंबर 93 और 94, तो यहाँ पे कोई भी एड्रेस वाली बात नहीं आ रही है, समन कोई कंप्लाइंट नहीं हो रहा, ऐसी कोई बात नहीं, जुडिशियल पर्पज के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सेक्शन नंबर 94 का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा कि सेक्शन नंबर 94, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई ना, सर्च वारंट से रिलेटेड चैप्टर नंबर 7 में 95 और 97 क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि 95 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं कर रही है, 97 क्यों नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो चलिए सेक्शन हमें इसके लिए करना पड़ेगा क्या, सेक्शन 94 का पोस्टमार्टम क्या करना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 94 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है, सेक्शन नंबर 94 ऑफ सीआरपीसी कहता है अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा बिलीव होता है, यानी कि यहाँ पे कौन कर रहा है, यहाँ पे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को रीजन टू बिलीव है, यानी कि रीजन टू बिलीव है, यहाँ पे सेक्शन नंबर 94 की लैंग्वेज जरा, अगर आप, मैंने कहा था ना बेरेक लेके बैठिएगा, अगर बेरेक लेके आप लोग बैठे हो तो सेक्शन नंबर 94 निकालिए सीआरपीसी में, सेक्शन नंबर 94 निकालिए, देखिए सेक्शन नंबर 94 कहता है सर्च ऑफ प्लेस, कौन सा प्लेस सर्च करना है, सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉल्स डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, यानी कि फॉल्स डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, क्या रीजन टू बिलीव है, यहाँ पे दो चीज इन्होंने बताई है, दो चीज क्या बताई, स्टोलन प्रॉपर्टी का कोई सेक्शन बताएगा आईपीसी में, सेक्शन स्टोलन प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, अगर नहीं याद है रीड विद सेक्शन 410, स्टोलन प्रॉपर्टी हम कहाँ पढ़ते हैं, 410 में पढ़ते हैं स्टोलन प्रॉपर्टी। और दूसरी चीज उन्होंने क्या बताई, दूसरी चीज उन्होंने कि फोर्स डॉक्यूमेंट, अगर फोर्स डॉक्यूमेंट है, अगर कोई फोर्स डॉक्यूमेंट है, दो चीज उन्होंने कही इफ, तो कौन कौन कर सके क्या, तो इन्होंने बताया इफ डीएम एसडीएम और एम फर्स्ट, ठीक है एम फर्स्ट, इन्होंने बताया If a district magistrate, subdivisional magistrate or magistrate of the first class, upon information and after such inquiry as it thinks necessary, has reason to believe that any place issue is used for the deposit or sale of stolen property. किस किस के लिए, deposit के लिए और sale के लिए अगर stolen property रखा हुआ है, और for the deposit, sale or production of any objectionable articles. यानी कि क्या इन्होंने बताया, दूसरे इन्होंने बनाया ऑब्जेक्शनल आर्टिकल। देखिए याद रखिएगा, मैंने आपको इसका अभी सबसेक्शन वन पढ़ा रही हूँ, सेक्शन नंबर 94 का सबसेक्शन वन कह रहा है दो चीज, स्टोलन प्रॉपर्टी का या तो वो सेल कर रहा है या वो क्या कर रहा है इसको रखे हुए है तो, और दूसरा क्या उन्होंने बताया ऑब्जेक्शनल आर्टिकल, कोई ऐसा ऑब्जेक्शनल आर्टिकल मिलता है, और कौन कह रहा है डीएम एसडीएम और एम फर्स्ट, इन लोगों को ऐसा लगता है तो क्या करेगा, और दैट एनी सब्जेक्ट ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल इज डिपॉजिटेड इन एनी प्लेस ही मे बी वॉरंट अट ऑथराइज्ड बाय पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ द कांस्टेबल, यानी किसको कहेगा अबव द रैंक ऑफ द कांस्टेबल, पुलिस ऑफिसर की रैंक से जो ऊपर, जो कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का पुलिस ऑफिसर होगा उसको कहेगा कि आप जाइए और सर्च करिए, क्या करिए आप जाइए और सर्च करिए। तो क्या, अच्छा इसकी पावर क्या होती है, इसकी पावर क्या होती है, इसकी वही पावर होती है, जाएगा, देखिए
क्या पावर होगी इसकी? सर्च करेगा, ठीक है। क्या कर सकता है वहां पे जो प्रॉपर्टी मिलती है उसको क्या कर सकता है, उसको लेके आ सकता है, यानी कि अपने पास ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे किसी चीज़ को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको उस जो भी वो प्रॉब्लम कर रहा है तो क्या करेगा, तो उस चीज़ को पोजीशन में ले लेगा। क्या करेगा? पोजीशन में ले लेगा। अगर कोई व्यक्ति जो कि उस आर्टिकल को, उस जो इंडिसेंट आर्टिकल है, इंडिसेंट चीज़ है, उसको कुछ कर रहा है तो क्या करेगा, उसको अरेस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है। और क्या कर सकता है? टू कन्वे सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का क्या कर सकता है? कन्वे कर सकता है। क्या कर सकता है? कन्वे कर सकता है। ये पावर होती है पुलिस ऑफिसर की, हर सर्च में ये पावर होती है पुलिस ऑफिसर की, उस चीज़ को सर्च कर सकता है, उस चीज़ को क्या कर सकता है, और एंटर कर सकता है, वहाँ पे ले सकता है उसको अपने पास पोजीशन में, उस प्रॉपर्टी को ले सकता है, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है और उस चीज़ को कन्वे कर सकता है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई? सेक्शन 94 के फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है। अब बात कर रहे हैं सेक्शन, इन्होंने क्या करा, सेक्शन इसका आर्टिकल का जो सेक्शन, सॉरी सेक्शन 94 का सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, जरा पढ़ लेते हैं। सेक्शन आर्टिकल का सबसेक्शन 2 कह रहा है, द ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल टू विच इज विच दिस सेक्शन अप्लाइज आर। देखिए क्या है इसका, इन्होंने जो बताया था ना ऑब्जेक्शनल आर्टिकल, ठीक है, दो चीज इन्होंने बताई, स्टॉलन प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्शनल आर्टिकल। अब इन्होंने जो ऑब्जेक्शनल आर्टिकल बताई ना, उसी की जो डेफिनेशन है वो इन्होंने बताई सबसेक्शन 2 में। डेफिनेशन काई की डेफिनेशन बताई इन्होंने, जो ऑब्जेक्शनल आर्टिकल्स है उनकी डेफिनेशन इन्होंने बताई सबसेक्शन 2 में। तो क्या क्या आएगा सबसेक्शन 2 में जरा देख लेते हैं। सबसेक्शन 2 में इन्होंने बताई, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो काउंटरफीट कॉइन हो, 6 चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई, काउंटरफीट, ठीक है, काउंटरफीट कॉइन इन्होंने बताया। दूसरा उन्होंने कहा कोई ऐसा मेटल हो, ठीक है। तीसरा उन्होंने काउंटरफीट करेंसी हो, फीट करेंसी, फिर इन्होंने बताया कोई ऐसे काउंटरफीट करेंसी नोट हो, फॉर्ज डॉक्यूमेंट हो, फॉर्ज, अच्छा फॉर्ज डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आईपीसी में कहां दी हुई है, क्या मुझे कोई बता सकता है फॉर्ज डॉक्यूमेंट की आईपीसी में डेफिनेशन कहां दी हुई है? फॉर्ज डॉक्यूमेंट, एक मिनट का टाइम दे रही हूँ आप लोगों को, देख लीजिए अगर आपको याद आ जाए फॉर्ज डॉक्यूमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं फॉर्ज डॉक्यूमेंट के लिए, वो गलती करते हैं सेक्शन 463 से, सेक्शन 463 से करते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, वहाँ पे दिया हुआ है फॉर्जरी, नॉट फॉर्ज डॉक्यूमेंट। फॉर्ज डॉक्यूमेंट की जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं आईपीसी 470, आईपीसी 470 फॉर्ज डॉक्यूमेंट की बात करता है, ठीक है। क्या करता है? फॉर्ज डॉक्यूमेंट की बात करता है आईपीसी 470, ठीक है। फिर इसके इन्होंने एक बात बताया, इन्होंने फॉल्स सील, फॉल्स सील एफ इन्होंने बताया, एफ इन्होंने बताया ऑब्सीन ऑब्जेक्ट, क्या बताया? ऑब्सीन ऑब्जेक्ट, अंडरलाइन करिएगा इसको, ठीक है। स्टार दे रही हूँ मैं इसको, क्यों दे रही हूँ स्टार इसको, क्योंकि हमें पढ़ना ही ऑब्सीन ऑब्जेक्ट है, हमें मेन कहाँ निकलना था, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट के अंदर निकलना था। और फिर इन्होंने जी पॉइंट इन्होंने बताया, जी पॉइंट इन्होंने बताया कि अगर इन सब का, यानी कि ए से लेके एफ तक का, एफ तक को करने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट अगर ये यूज करते हैं तो वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, ऑब्जेक्शनल आर्टिकल्स में आ जाएगा। यानी कि सेक्शन 94 को अगर हमने पोस्टमार्टम किया तो क्या निकल के आया, इन्होंने इसको दो सबसेक्शन दिए हुए हैं, दो सबसेक्शन में पहला इन्होंने पहले सबसेक्शन में बताया कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी जो कि आईपीसी के हम सेक्शन 410 में पढ़ते हैं, और कोई क्या ऑब्जेक्शन आर्टिकल, कौन से ऑब्जेक्शन आर्टिकल होंगे वो सबसेक्शन 2 में इन्होंने बताया, और 2 का भी हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट सेक्शन सबसेक्शन 2 का एफ। यानी कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया, इसे रफ करूं, अगर चाहिए आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए। देखिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया, तो आप लोगों को एक चीज और मैं इसके साथ कनेक्ट करके बता दूं,
जो ऑप्शन ऑब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, ऑप्शन ऑब्जेक्ट की मेन डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, वो कहाँ पढ़ते हैं? ऑप्शन ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए, ऑप्शन ऑब्जेक्ट को डिफाइन कहाँ किया गया है, तो डिफाइन किया गया ऑप्शन ऑब्जेक्ट को कहाँ पर, सेक्शन, अगर इंडिजाइन रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो सेक्शन 2C। लेकिन इसे आईपीसी में भी डिफाइन किया गया, आईपीसी का सेक्शन 292। क्लियर? यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। अब हमने पढ़ा सीआरपीसी का सेक्शन 94, सीआरपीसी का सेक्शन 94 हमने पढ़ा, सेक्शन 94 क्लॉज 2, सब क्लॉज 2 का क्लॉज F। अगर आपसे बात की जाती है कि ऑप्शन ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन कहाँ कहाँ पर दी हुई है, तो आपको बताना होता है इसमें आंसर, क्योंकि ऑप्शन वो चाहे कुछ भी दे सकते हैं, चाहे वो 2 का सी पूछ सकते हैं, चाहे वो 292 पूछ सकते हैं, चाहे वो सेक्शन 94 का 2 क्लॉज एफ पूछ सकते हैं। तो ये था मेरा लिंकअप करने का वो, क्योंकि आप लोगों को समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे, इसकी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि 292 आईपीसी क्या करता है, ऑप्शन ऑब्जेक्ट की बात करता है। तो तीन चीज समझ में आ गई, स्टोलन प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्शनल आर्टिकल और ऑप्शन ऑप्शन ऑब्जेक्ट। यानी कि स्टोलन प्रॉपर्टी को 94 का 1 हो गया, ये ऑब्जेक्शन आर्टिकल्स का हमने पढ़े 94 का 2 हो गया, और ये क्या हो गया 292 हो गया। इसके बाद आप लोगों को समझ में आ गई, तो ये क्या हो गया, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर इसको प्रूफ करेंगे तो ए इज इक्वल टू सी, हैंस प्रूफ। थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाली फीलिंग आई आप लोगों को, समझ में आया कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की आपको। सेक्शन 94 आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ थम्स अप करिएगा वीडियो को। अगर आप लोगों को समझ में आ गया कि क्यों, जो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से था वाई ओनली सेक्शन 94, तो आंसर आप लोगों को समझ में आया, वाई ओनली सेक्शन 94, वाई नॉट सेक्शन 93, 95, 96, 97। अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी तो चलिए बता देती हूँ क्यों सेक्शन 94 था। क्योंकि सेक्शन 94 में सिर्फ इसलिए 94 लिया गया क्योंकि 94 का सब क्लॉज 2 का और क्या आएगा F, यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है, ऑब्जेक्शनल यानी कि ऑब्सीन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। पसीने आ गए, गला सूख गया आपको पढ़ाते पढ़ाते। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी क्यों सेक्शन 94 को डिफाइन किया है यहाँ पे मैंने, ठीक है। आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि अगर आपने आज ये अच्छे से पढ़ लिया है, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप अब आने वाले क्वेश्चन में इसका आंसर कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे। अगर समझ में आ गया है तो इसका तरफ चलिए सब सेक्शन 3 भी हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 आपको समझ में आ गया, फर्स्ट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेक्शन 5 का सब सेक्शन 3 की। सेक्शन 5 का सब सेक्शन 3 क्या कहता है, सब सेक्शन 3 कहता है इंफॉर्मेशन सीज मे बी नो इन्फॉर्म टू नियरेस्ट मजिस्ट्रेट इज अंडर एज इज कस्टडी देयर ऑफ। मतलब अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो वो इसकी इंफॉर्मेशन किसको देगा, इंफॉर्मेशन गिविंग टू मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा उसको सीज करने का या उसे कस्टडी में लेने का। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, इंफॉर्मेशन गिवन टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट फिर उसके बाद ऑर्डर देगा, क्या ऑर्डर देगा, या तो उसको सीज कर ले या उसको अपनी कस्टडी में ले ले। ये कहता है सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 5 का सब क्लॉज 3। समझ में आ गया सब क्लॉज 1 आप लोगों को समझ में आ गया, सब क्लॉज 1 क्या मैंने आपको पढ़ाया, सब क्लॉज 2 आप लोगों को समझ में आ गया, सब क्लॉज 2 क्या मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आ गया समझ में, ठीक है।
सेक्शन सब क्लॉज वन कह रहा था बाय रजिस्टर्ड ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट लिमिट लोकल लिमिट के अंदर इसको ऑथराइज करेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, सर्च करेगा, सीज करेगा, एग्जामिन कर सकता है। दो प्रोवाइडेड थे इसमें एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन, अगर वो करेगा तो वो प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में नहीं जाएगा, कब तक नहीं जाएगा जब तक उसे सर्च वारंट का वारंट की परमिशन नहीं मिली हो। दूसरा प्रोवाइडेड अगर कोई डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसी फाइल है जिसे अकेले नहीं ला सकता, जिसे सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो उसे पूरे का वो एग्जामिन करना होगा। दो प्रोवाइडेड थे, समझ में आ गए। अब बात करिए हमने सबसेक्शन नंबर टू की। सबसेक्शन नंबर टू कहता है कि सीआरपीसी का सेक्शन 94 फॉलो होगा। सेक्शन 94 सर्च वारंट जो बात करता है वो फॉलो होगा। क्यों होगा, लंबी चौड़ी कहानी मैंने आप लोगों को पढ़ा दी, समझा दी अच्छी तरीके से। उसके बाद मैंने बताया कि सबसेक्शन 3 है वो कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है, सर्च वारंट हो जाता है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा। किसको इन्फॉर्मेशन देगा, तो इन्फॉर्मेशन देगा वो मजिस्ट्रेट को, ठीक है। मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन देगा तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा। क्या ऑर्डर पास करेगा, उसको या तो सीज करो या उसको अपनी कस्टडी में ले लो। ये सेक्शन 5 कहता है, जो कि मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर सिक्स में आपको ऑलरेडी पेनल्टी के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 7 की। बहुत अब थोड़े से सेक्शन है, वो भी बहुत इजी है, इसमें से मैं कुछ ही आपको कराने वाली हूँ। तो सेक्शन नंबर सेवन क्या कहता है कि कंपनी के द्वारा कोई एक्ट किया जाता है। सेक्शन नंबर सेवन ऑफेंस बाय कंपनीज, देखिए अगर कंपनीज की बात यहाँ पे आती है तो कंपनीज के लिए क्या होगा, ठीक है। कंपनीज के द्वारा कोई एक्ट किया था, कंपनी क्या है, एक आर्टिकल है, ठीक है। एक क्या है, कंपनी एक आर्टिकल है, एक कैसा वो है, तो उसके लिए क्या होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लागू हो जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 144 की तरह से हम डील करेंगे, ठीक है, उसकी तरह हम डील कर लेंगे इसको, ठीक है। फिर उन्होंने बताया, लेकिन इसमें दो सबसेक्शन बताए हुए हैं कंपनी सेक्शन नंबर 7 में। इन्होंने क्या करा कि दो सबसेक्शन बताए हुए, क्योंकि यहाँ पे जो सिद्धांत लागू हो रहा है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट का सिद्धांत लागू होगा। अगर कोई कंपनी एक्ट करेगी तो उसमें किस तरीके से, अगर उसके डायरेक्टर हुए, सीएम हुए, या उसके डीजी हुए, जो भी हुए, उन सबको यहाँ पे लाइबल किया जाता है, क्योंकि ठीक है। तो यहाँ पे सबसेक्शन 2 है, दो सबसेक्शन इन्होंने दिए। फर्स्ट इन्होंने दिया है, फर्स्ट में इन्होंने कहा अगर मान लीजिए कि सबसेक्शन 2 क्या कहता है, कहाँ गया बेरा किसका, चलिए सेक्शन देखिए, सेक्शन 7 निकालिए। सेक्शन 7 क्या कहता है, अंडरलाइन करते चले आएगा, वेयर एन ऑफिस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी, अगर कोई एक्ट कंपनी के द्वारा किया जाता है, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस वॉज कमिटेड वॉज इन चार्ज ऑफ एंड वॉज रीजनेबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंडक्ट कंपनी एज वेल एज कंपनी शैल बी डीम्ड अंडरलाइन करेगा शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एंड शैल बी लाइबल टू प्रोसीड अगेंस्ट एंड पनिशेबल अकॉर्डिंगली। क्या कहा इन्होंने, क्या कहा, अगर कोई मान लीजिए कोई एबीसी कोई प्राइवेट कंपनी है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, अगर वो कोई ऑफेंस करती है प्लस उसके पर्सनल, तो अगर कोई ऑफेंस करती है तो उसके रीजनेबल जो भी होंगी ना, रीजनेबल जो भी होंगे, कौन होंगे रीजनेबल पर्सन, क्या होगा वो भी इसमें गिल्टी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अगर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके साथ उसके रीजनेबल पर्सनल जो होंगे, मान जैसे कोई डायरेक्टर हुआ वो भी, तो क्योंकि वो जो एक्ट कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, वो व्यक्ति ने कर रहे, कंपनी खुद से तो ना कर रही है, जो भी उसके पार्टनर होंगे, जो भी उसके डायरेक्टर होंगे, जो भी उसके जीएम होंगे, वो सब मिलकर उसमें एक्ट करेंगे, तो वो क्या होगा, वो भी इसमें गिल्ट फील होगा, उनके ऊपर भी ये लाइबल होगा। ऐसी बात इन्होंने इसके सबसेक्शन 1 ने बताई, सबसेक्शन 1 ने इसकी बात बताई। तो उसके बाद इन्होंने बताया एक प्रोवाइडेड इन्होंने दिया, इफ पर्सन प्रूफ दैट, देखिए इसका एक प्रोवाइडेड दिया हुआ है, सबसेक्शन 1 का प्रोवाइडेड दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, अगर वो व्यक्ति जो कि डायरेक्टर है, जो कि जीएम है, जो कि पार्टनर है, ये प्रूफ कर देता है कि ऐसा जो एक्ट किया गया है, जो कंपनी ने जो ऐसा एक्ट किया है, वो एक तो विदाउट नॉलेज था, यानी कि उसकी नॉलेज में नहीं था, विदाउट कैसा था, विदाउट नॉलेज था। दूसरा उसने क्या कि उनके बिना
बिना किसी नेग्लिजेंट के था, यानी कि उसके नेग्लेक्ट नहीं किया था उन्होंने ऐसा कुछ भी, ठीक है। दो पॉइंट उन्होंने विदाउट नॉलेज एंड नेग्लेक्ट था, तो वो माना जाएगा कि वो जो व्यक्ति है वो इसके लिए लाइबल नहीं है, क्या लाइबल नहीं है। सबसेक्शन टू क्या कहता है, सबसेक्शन टू कहता है इसका, अगर मान लीजिए सबसेक्शन टू ने बताया कि अगर कोई कंपनी है, इसका सबसेक्शन टू कहता है विद द कंसेंट है तो डायरेक्टर भी लाइबल होंगे। आप मान लीजिए सबसेक्शन वन को आप भूल जाइए, सबसेक्शन वन को आप भूल जाइए, अगर ये प्रूफ हो जाता है प्रूफ दैट कि जो डायरेक्टर है या जीएम है या कोई भी पार्टनर है कंपनी का, क्योंकि देखिए फर्म की तरह यूज होती है कंपनी को, इन्होंने क्या करा है इसका जो सबसेक्शन थ्री दिया हुआ उसमें बोला है कि जो कंपनी जो सॉरी एक्सप्लेनेशन जो दी हुई है वहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि जो कंपनी को एज ए फर्म भी यूज किया जाएगा, यानी कि फर्म के ऊपर भी यही सेम प्रोसीजर लागू होगा, ठीक है। अगर इनको क्या है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि इनकी नॉलेज में था, इनकी नॉलेज में था तो ये लाइबल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये लाइबल होंगे काहे के लिए, पनिश के लिए ये लाइबल हो जाएंगे। सबसेक्शन वन कहता है कि दोनों लाइबल होंगे, लेकिन प्रोवाइडेड ने बोला कि ये विदाउट अगर नॉलेज है विदाउट नेग्लिजेंस है तो ये क्या होगा, ये इनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सबसेक्शन टू कहता है कि अगर ये प्रूफ हो जाता है, ये प्रूफ कर दिया जाता है कि इनकी नॉलेज के साथ हुआ है, इनके खुद के कंडक्ट से ऐसा कार्य किया गया, ऐसा कोई इंडिजेंट प्रोडक्ट बनाया गया है, तो वो क्या होगा, वो इसके लिए लाइबल हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात इन्होंने सबसेक्शन उसमें बताई है, कंपनी इंक्लूड की जाएगी। लेकिन एक चीज इन्होंने जो इनको लिखनी चाहिए थी वो नहीं लिखी है, वो क्या कि अगर कोई गवर्नमेंट कोई एक्स ऑफिसर किसी कंपनी में अपॉइंट करती है तो वो यहाँ पे लाइबल नहीं होता है, वो यहाँ पे लाइबल नहीं होता है। अगर क्वेश्चन आता है एक्स ऑफिसर से रिलेटेड तो वहाँ पे आपको करना है कि वो किसी भी तरीके से लाइबल नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ अपॉइंट किया गया है, ठीक है। इतनी बात इन्होंने बताई है इसके अंदर। इसमें कंपनी में मैंने आपको बताया था कंपनी में क्या इंक्लूड हो जाते हैं, कंपनी में इंक्लूड हो जाते हैं फर्म। आई होप आपको सेक्शन 7 समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो देखिए कंटिन्यू आगे, क्योंकि हम कर रहे हैं इसका एंड। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 8 की। सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 8 बहुत ईजी है, वहाँ पर बी सी हमें करना है बस। सेक्शन नंबर 8 कहता है, सेक्शन नंबर 8 कहता है ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल और एंड बेलेबल। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि ये ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस क्यों है ना। अब आ रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये ऑफेंस है ही बेलेबल, क्योंकि इसे 436 के अकॉर्डिंग लाया गया है, क्योंकि जब इसको बनाया गया इस एक्ट को तब इसको बेलेबल समझा गया होगा, इसको बेलेबल किया गया है। अमेंडमेंट की बात चल रही है लेकिन अभी तक अमेंडमेंट हुआ नहीं है, होपफुली हो जाए तो ये नॉन बेलेबल हो जाएगा। लेकिन अभी नॉन बेलेबल नहीं है तो आपको याद करना है पहले क्या आएगा, सी आएगा फिर आएगा बी, ठीक है। उल्टा थोड़ा पढ़िएगा, पहले आएगा सी और फिर आएगा बी। कॉग्निजेबल की डेफिनेशन का दी हुई है CRPC 2 का RFC, ठीक है। 2 के सी में हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वहां पे क्या, शेड्यूल फर्स्ट, याद है CRPC में दो शेड्यूल पढ़ते हैं, फर्स्ट शेड्यूल में हम दो पढ़ते हैं क्या, एक होता है ऑफेंस रिलेटेड टू दिस एक्ट और ऑफेंस रिलेटेड टू अदर एक्ट। तो ये किसमें आएगा, इंडिजेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट किसमें आएगा, अदर एक्ट में आएगा। तो किसकी तरह डील होगा, अदर एक्ट की तरह डील होगा। सेक्शन 2C आएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस आएगा, शेड्यूल अगर हम पढ़ेंगे शेड्यूल का कौन सा आएगा, सब क्लॉज 2 आएगा, क्योंकि शेड्यूल में दो दिए हुए हैं, ऑफेंस रिलेटेड टू सब क्लॉज 1, यानी कि ऑफेंस रिलेटेड टू दिस एक्ट और ऑफेंस रिलेटेड टू अदर्स एक्ट। तो ये कहाँ जाएगा, हम इसको किसकी तरह डील करते हैं, हम इसको डील करते हैं अदर एक्ट की तरह डील करते हैं। और बेलेबल हम कहाँ पढ़ते हैं, तो बेलेबल हम पढ़ते हैं कहाँ पर, बेलेबल हम पढ़ते हैं 436। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, सेक्शन 8 आप लोगों को समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया हो तो चलिए सेक्शन 9 देखते हैं, सेक्शन 9 क्या कहता है, ठीक है। सेक्शन 9 पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, सेक्शन 9 को छोड़िए, क्योंकि अभी प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ
अगर गुड फेथ वाली बात है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद उन्होंने सेक्शन 10 बताया, सेक्शन 10 कह रहा है पावर टू मेक रूल। देखिए इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 10 की बात अगर हम करें, सेक्शन 10 कह रहा है पावर टू मेक रूल। देखिए ये एक्ट जब मैं आपको सेक्शन नंबर 1 करा रही थी तब मैंने बताया था कि ये क्या होता है, ये क्या है सेक्शन क्या है, ये क्या है एक्सटेंड होल ऑफ द इंडिया, यानी कि पूरे भारत में लागू है। तो जब पूरे भारत में लागू है तो इसकी रूल मेकिंग पावर किसके पास है, तो आप याद रखिएगा रूल मेकिंग पावर इसकी किसके पास है, रूल मेकिंग पावर इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि आप इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, तो क्योंकि हमने बात करी सेक्शन 5 में स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है किसको, जो सर्च करने जाने वाला व्यक्ति है उसको, लेकिन रूल मेकिंग पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि ये एक्ट सेंट्रल का है लेकिन लागू हर स्टेट में है, तो स्टेट अपॉइंट करती है अपने लोकल लिमिट्स के अंदर। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट बताया दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे By notification in official gazette make rule to carry out provision of this act. इस act के जो भी provision होंगे वो कौन बनाएगा, central government बनाएगी, ठीक है। The manner in which the seizure of advertisement or article shall be made and the manner in which she's list shall be prepared and delivered to person from whom custody and advertisement or other article has been seized, ठीक है, ये इन्होंने बताया। यानी कि कौन कर रहा है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। होपफुली आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी, ये 2 घंटे का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। यस्टरडे और टुडे जो मैंने आप लोगों को जानकारी दी वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो आप लोग इसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी इसके क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस के आंसर, क्वेश्चंस में आप लोगों को दूंगी आंसर, आपको सब उसमें लिख के देने हैं, मुझे आंसर आप लोगों को मुझे बताने होंगे। अगर आप वो 10 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो मान लीजिएगा कि आप अपने एग्जाम को देने के लिए बिल्कुल रेडी हो, ठीक है। देखिए इस एक्ट का मैंने सेक्शन फर्स्ट आपको बताया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सेक्शन क्या है, एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया। अच्छा कब से कमेंस हुआ था, कमेंस कब से हुआ है, ये 2 अक्टूबर याद रखिएगा, गांधी जयंती को 1987, यानी कि एक्ट के बनने के 1 साल बाद ये लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1987 को ये लागू हुआ था। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, अगर आ गई हो तो दीजिए मुझे इजाज़त यहाँ इस वीडियो को एंड करने का। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, सम्मान दीजिए, सम्मान लीजिए और साथ में इसकी स्टडी करते रहिए। थैंक यू।